स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम DRDO को लेकर बात करने वाले हैं, जहाँ पे DRDO ने ADE के लिए एक R&D फैसिलिटी बनाई है। नाम दिया गया है इसको FCS कॉम्प्लेक्स का, यानी कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स का। और ये जो FCS कॉम्प्लेक्स है डेडिकेटेड बनाया गया है MCA के लिए, भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि 5th generation फाइटर होगा। तो ये जो पर्टिकुलर R&D फैसिलिटी है वो AMC के लिए डेडिकेट की गई है, जहाँ पे AMC के जो एवियोनिक्स होंगे, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होंगे और जो दूसरे प्रोग्राम है सेंसर को लेके, उनके इंटीग्रेशन पे यहीं पे काम किया जाएगा। ये एक 7-story बिल्डिंग है जिसको DRDO ने 45 डेज में बनाया है। मैच 45 दिनों में इसको बना लिया गया है DRDO और L&T की हेल्प से। और यहाँ पे भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपने इसे अचीव किया है 45 डेज में। बहरहाल यहाँ पे पॉइंट ये है कि AMC के जो दूसरे आस्पेक्ट हैं, जैसे कि सेंसर फ्यूजन और ऑप्टिकल केबल बेस्ड जो वायरिंग होगी और जो इंटीग्रेशन होगा सभी सेंसर से, वो सारी चीजें यहाँ पे की जाएंगी। तो एक जो कॉन्क्रीट काम है LRU लेवल पे, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो कहीं की जो सीरियसनेस है AMCA को लेके, वो यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रही है। ऑलरेडी IAF चीफ और रक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि इस कैटेगरी में कोई भी जो फाइटर जेट है वो प्रिक्योर नहीं होने जा रहा है। तो कहीं की जो AMCA पे फोकस है वो आपको ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए उन्होंने जो टाइम निर्धारित किया है उसी पे अचीव करना चाहते हैं। सो ये एक क्रूशियल स्टेप है, जहाँ पे आपने एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई है AMCA के लिए। इसी में हम बात कर लेते हैं रुस्तम 2 के बारे में, जहाँ पे रुस्तम 2 ने अभी हाल ही के ट्रायल्स में लगभग 29,000 फीट का जो ऑल्टीट्यूड है वो अचीव किया है, और वहाँ पे जो पैरामीटर रहे हैं पेलोड्स के वो सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। तो अभी हाल ही में कुछ 10 दिन पहले कई सारे जो फ्लाइट ट्रायल हैं वो रुस्तम 2 के कंडक्ट किए गए हैं कर्नाटका में। और जो की मेन एस्पेक्ट रह रहा था वो इसके ऑल्टीट्यूड को लेकर रह रहा था कि लगभग 30,000 ऑल्टीट्यूड तक ये फ्लाई कर सकता है, जिसने इसको बखूबी प्रूव किया है। और इसको लेकर जो ऑफिशियल रिलीज है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बाकी के कुछ और जो ट्रायल है उनके कम्प्लीशन के बाद जो एक रिलीज है वो आपको जल्दी दिखेगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आपका रुस्तम 2 है वो भी लगभग तैयार है मास स्केल के लिए। और इस कैटेगरी के जो भी आप UAV देख रहे थे प्रोक्योर करने को लेके, तो शायद उन बातों पे जो फुल स्टॉप है वो लग सकता है, या फिर जो नंबर होगा प्रोक्योरमेंट का वो कम होगा। क्योंकि दूसरी तरफ हम सभी देख रहे हैं कि आजकल जो मॉड का फोकस हुआ है आत्मनिर्भरता की तरफ, वो और भी बढ़ गया है। सो इस कैटेगरी में आपको रुस्तम 2 जल्द इंडक्ट होते हुए दिखेगा, पॉसिबली अगले 2 महीने में जो एक क्लियर पिक्चर है ट्रायल के कम्प्लीशन को लेके वो आपको दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।